पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संबल जनपद की चंदोसी तहसील क्षेत्र में स्थित एबीसी स्कूल में बच्चों को गुड टच और बैड टच समझाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। देश में छोटे छोटे बच्चों के साथ शारीरिक शोषण के मामले सामने आते रहते हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए 1090 की जिला कोऑर्डिनेटर, समाज सेविका और एबीसी स्कूल की संचालिका संगीता भार्गव ने एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आई पायल अरोड़ा ने बच्चों को बताया कि उनके माता पिता अगर उनको छूते हैं तो वो गुड टच होता है, लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपको छूने की कोशिश करता है तो वो बैड टच कहलाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ घुला मिला होना चाहिए और उन्हें इस बारे में बताना चाहिए, जिससे कि यदि उनके बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना हो तो वो अपने पेरेंट्स को बता सकें। वहीं स्कूल की संचालिका संगीता भार्गव ने बताया कि उनके पास भी ऐसे एक दो मामले आए, जिसके बाद हमने और हमारे स्कूल के स्टाफ ने बच्चों को इस बारे में बताना जरूरी समझा और इस कार्यशाला का आयोजन किया। ये गुड टच एंड बैड टच के बारे में बच्चों को हम लोग ने बताया है। जो 2 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, मैंने अक्सर देखा है कि शारीरिक शोषण की छोटी बच्चियों के संग ज्यादा होता है, जिनको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है इन बच्चों के संग। हमारे स्कूल में भी एक दो ऐसे केस आए थे जिसके बारे में मेरे को पता लगा, तो मैंने एक जरूरी समझा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में हम लोग वर्कशॉप दिए। चंदौसी में पहली बार हुआ है और पहली बार, और हम चाहते हैं कि इस तरह का गुड टच एंड बैड टच वर्कशॉप सभी स्कूलों में इसको कॉपी करा जाए। प्रोग्राम हमारा था गुड टच और बैड टच से रिलेटेड। इसमें ये था कि गुड टच क्या होता है, अच्छा टच क्या होता है और बुरा टच क्या होता है। गुड टच मीन्स जो हमारे सिर्फ हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे अपने जिनकी जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं वो हमें छुए तो वो क्या हमारा गुड टच। और बैड टच जो हमें बाहर का कोई स्ट्रेंजर है या कोई अनजान इंसान है वो अगर बच्चों को छूता है तो वो क्या है, बैड टच। बैड टच जिसमें हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो मतलब बच्चों को मेरा यही सिखाना था कि सब बच्चों को पता हो, मॉडर्न टाइम में बच्चा कोचिंग भी जाएगा, स्विमिंग क्लासेस भी जाएगा, डांस क्लास भी जाएगा, अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो इस चीज पर एक्शन उठा पाए, अपने पेरेंट्स को खुल के बता पाए। और मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से फ्रेंक होना चाहिए इन टॉपिक्स पर। अगर पेरेंट्स बताएंगे तो बच्चा और ज्यादा आगे बढ़ सकेगा। आजकल का टाइम देख रही थी कि मतलब सब कुछ हो रहा है, बच्चों के साथ गलत भी हो रहा है, तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया, मैम ने मुझे हेल्प करी, तो मैंने ये प्रोग्राम आज वर्कशॉप बच्चों